जी दोस्तों, इस वीडियो में हमने लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करना है अपनी ASP.NET MSC ऑनलाइन एम्प्लॉय पोर्टल का। तो सबसे पहले गूगल पे आके हमने सर्च कर लेना है लॉगिन टेम्पलेट, सर्च करें फ्री। तो पहले लिंक को यहाँ टैग को ओपन करें तो हमें देखें यहाँ पे कॉलर लैब जो है ना, हमें फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करिए लॉगिन फॉर्म के नाम से। तो इसको करता हूँ मैं ओपन। तो जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमें लॉगिन पेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। जो आपको बेस्ट लगे आपने वो कर लेना है डाउनलोड। तो हम कौन सा कर लें, आई थिंक कौन सा बेस्ट रहेगा, ये वाला हम कर लेते हैं ईमेल पासवर्ड। इधर आके डाउनलोड पे क्लिक करना है, देखते हैं ये फ्री है या पेड तो नहीं है। इसके बाद नीचे है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इधर क्लिक करते हैं, अपनी ईमेल देते हैं, उसके बाद डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें। जी बिल्कुल, हमारा ये लॉगिन फॉर्म डाउनलोड हो गया है। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, वापस चले जाते हैं। ओपन करना है, शो इन फोल्डर करना है। शो इन फोल्डर करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। हम कट करना है आके यहाँ पे हमारे पास ई के अंदर एम्प्लॉय वेबसाइट टूटोरियल, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जी बिल्कुल, ये हो गया है। इसको खोलता हूँ तो इंडेक्स का पेज है, रन करके चेक करते हैं कैसा दिखता है। जी बिल्कुल, इस तरह का है, हम देख सकते हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। तो इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से मैं। उसके बाद वापस जाता हूँ, ये CSS फॉन्ट्स इमेजेस JS और वेंडर सारी की सारी फाइल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने रियल स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे देखिए कंटेंट का फोल्डर नजर आ रहा है, इसमें आके राइट क्लिक करें माउस के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। जी ये देखिए पेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमने अगला काम कौन सा करना है, ये शेयर्ड लेआउट के अंदर, layout.css के अंदर यहाँ पे ये सारा का सारा हमें या तो नहीं चाहिए या भी हम नैव बार को यहाँ पे रहने देते हैं फिलहाल। तो वापस जाता हूँ मैं, यहाँ से टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ सप्लाइम नाम का। तो कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। आपने कोई भी इंस्टॉल कर रखा है, नोट पैड है, ये है या कोई है, तो आप उसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं हमारे उस इंडेक्स वाले HTML पेज को। तो इधर आता हूँ मैं फाइल के ऊपर, ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ जहाँ पे हमारा वो फॉर्म का इंडेक्स पेज पड़ा है वहाँ पे, उसको वहाँ से ओपन करते हैं। जी ये देखिए न्यू वॉल्यूम एफ ड्राइव के अंदर, ये न्यू वॉल्यूम एम्प्लॉय वेबसाइट लॉगिन 8 ये वाला इंडेक्स, इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो सबसे पहले हमें लेआउट के लिए लिंक्स चाहिए होंगे, जो CSS के होंगे, जावास्क्रिप्ट के होंगे, वेंडर के होंगे या फिर इमेजेस के होंगे, वो लिंक हमें चाहिए होंगे। ओपन करता हूँ तो ये सारे लिंक्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं टॉप के ऊपर। अभी हम बॉडी के अंदर नहीं जा रहे, जस्ट ये टॉप वाले लिंक्स मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद मैं आके इधर ये ऊपर देखें टाइटल के नीचे दो एक स्टाइल है और दूसरी स्क्रिप्ट का लिंक है, इसको हमने नहीं छोड़ना, इधर आके हमने पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट मैंने कर दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखें रेंडर सेक्शन के नीचे वहाँ पे आके जो स्क्रिप्ट होगी एंड के ऊपर, ये देखिए ये लास्ट के ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट हमें यहाँ से उठा लेनी है और इनको लेके जाना है
हमारे इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जी हाँ, ये पेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद ये हमें नहीं चाहिए रेंडर वाले, इनको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और ये भी चेंज कर देते हैं टेक्स्ट एम्प्लॉय वेब कर लेते हैं हम इनको, बल्कि ऑनलाइन एम्प्लॉय सिस्टम, ठीक है ये कर लिया। ये डेट टाइम सेलेक्ट करें, उसके बाद हमने कंटेंट के अंदर इनके देखें सी एस एस के फॉर्म भी इमेजेस भी और जी एस वेंडर भी, हमने ये वाला पाथ यहाँ पे देना है। सबसे पहले है ना ये देखें इमेज का पाथ देना है, शिफ्ट दबाना है, ये एंटर साइन देना है, फॉरवर्ड स्पेस। इसके बाद ये देखें कंटेंट है, ये मैं टाइप करता हूँ, सेलेक्ट नहीं करवाता वरना वो लास्ट वाला वहीं पे गैप हो जाए। देखिए अब इमेजेस का पाथ भी आ गया है सारा, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेते हैं सारे को, वेंडर इन सारों में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इन सारे सी एस एस हो, वेंडर हो, फॉन्ट्स हो, इन सारों का पाथ हमने इधर से दे दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, स्क्रिप्ट का भी पाथ हमने देना है, वैलिड पाथ हमारा हो गया अभी, ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, वापस अभी इधर ही है हम, ये देखें बॉडी है, हम यहाँ से नैप बार को हटा ही देते हैं, हमें नैप बार नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, हमें नैप बार नहीं चाहिए। उसके बाद हम वापस आएंगे इंडेक्स होम के अंदर, इंडेक्स का पेज पर इसको यहाँ पे ये देखें हमारा बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहले ओपन होता है यही वाला पेज होता है, यहीं पे हम लॉग इन पेज दिखाना चाह रहे हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, लिंक भी हो गए हैं, स्क्रिप्ट भी हो गया है। उसके बाद जो चीज़ बचती है वो इधर है, बॉडी है का कंटेंट है, इस सारे को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ इधर इंडेक्स के ऊपर, इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, लॉगिन ईमेल होगा, देखिए यहाँ पे पासवर्ड मेंबर मी, नॉट ए मेंबर साइन अप नाउ। तो हमने सिंपल रखना है इसको, एडवांस लेवल पे अपनी लेके जाना, एज अ लर्निंग हम इसको बना रहे हैं, तो लिहाजा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये चीज़ें, ये आइकन वगैरह नीचे, क्योंकि अभी हम फेसबुक ए पी आई यूज़ नहीं करनी इसमें और ना ही गूगल ए पी आई यूज़ करनी, लेकिन लादा मैं इनकी वीडियोस बना दूंगा कि हम कैसे फेसबुक के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं और गूगल के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं जी। तो ये अभी हमें नहीं चाहिए वाला टैक्स। इसको सेव करता हूँ, अगेन वापस आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, जी हाँ ये हमारा लॉग इन पेज डिज़ाइन हो गया है। अब हम एक इधर से कंट्रोल भी दे देते हैं एडमिन पेज के लिए, तो थोड़ा सा वो भी काम कर लें।